नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में भले ही अभी ठीक से जांच भी शुरू नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में इटली की ट्रायल कोर्ट ने फैसला भी सुना चुकी है। इटली कोर्ट अमान के फैसले से यह खुलासा हो चुका है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और दलाल ने इस डील के लिए कांग्रेस नेताओं को रिश्वत दी थी। इटली कोर्ट ने भारत में कांग्रेस नेताओं को रिश्वत देने को लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कंपनी के मुखिया गेसेपे उर्सी को दोषी भी ठहरा चुका है। इटली कोर्ट के फैसले में न केवल तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका का खुलासा हुआ है, बल्कि कई और सच्चाई भी सामने आ गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि इस डील के मुख्य दलाल ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को 17-18 मिलियन डॉलर रिश्वत दी थी। आपसे अनुरोध है देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें। आप हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911955719। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामले में अपने फैसले में इटली कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख ने 3,600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर खरीद सौदा हथियाने के लिए भारत में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को रिश्वत दी तथा किस प्रकार मीडिया हाउसों को पैसे देकर अपने पक्ष में प्रचार कराया था। इटली कोर्ट के फैसले में खुलासा हुआ है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने ली थी 17-18 मिलियन डॉलर रिश्वत। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर कंपनी के प्रमुख को कांग्रेस नेताओं ने रिश्वत देने के लिए ठहराया गया था दोषी। इतना ही नहीं, इटली कोर्ट ने अपने फैसले में रिश्वत लेने वालों में न केवल सोनिया गांधी की भूमिका का जिक्र किया है, बल्कि उसके भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस तथा तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन का भी नाम लिया है। इटली के अपील कोर्ट अमन ने अपने 225 पृष्ठ वाले जजमेंट में दस्तावेज के रूप में कई जगह हस्तलिखित नोट भी अटैच कर रखा है, जिसमें दलाल द्वारा कांग्रेस के नेताओं, नौकरशाहों तथा वायुसेना अधिकारियों को दिए गए कमीशन का ब्यौरा है। कहा गया है कि इस फैसले में सोनिया गांधी का नाम सिग्नोरा गांधी के रूप में उद्धृत है। कमीशन देने वाले नोट में उनका नाम 4 बार लिया गया है। आखिरकार अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी और दलाल क्रिश्चियन मिशेल भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई के हत्थे चढ़ ही गया। काफी दिनों से मिशेल पर शिकंजा कसने वाली सीबीआई को मंगलवार को यूएई सरकार ने उसे सुपुर्द कर दिया। भले ही यह सफलता सीबीआई की मानी जाए, लेकिन इस सफलता की पटकथा कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने लिखी है। मिशेल के प्रत्यर्पण के संदर्भ में सीबीआई ने भी बयान जारी कर कहा है कि डोभाल के निर्देशन में शुरू किए गए अभियान के कारण ही मिशेल का भारत प्रत्यर्पण सफल हो पाया है। मालूम हो कि पिछले महीने ही दुबई के सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की याचिका खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया था। अंत में दुबई सरकार ने मंगलवार को उसे भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि यूपी सरकार के समय 36,000 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में हुए घोटाले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की भारत को काफी दिनों से तलाश थी। वैसे मिशेल को 2 सितंबर 2017 को ही दुबई में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हुई न्यायिक कार्यवाही के दौरान दुबई में रहने की शर्त पर उसे कुछ दिन बाहर रहने का मौका दिया गया। इस दौरान उसने वहां से भागने का प्रयास भी किया था। यह खुलासा विकास भदौड़िया ने अपने ट्वीट में किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जब मैं दुबई से भागने के लिए अपने अंतिम चरण को अंजाम देने जा रहा था, तभी भारतीय खुफिया एजेंसी ने उसे कुर्ता पाजामा और टोपी की पोशाक में पहचान लिया था। अब जब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल भारत लाया जा रहा है, तो फिर भारत के कई नेताओं के साथ ही कई पत्रकार और मीडिया संस्था के भी होश उड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड डील दौरान अपना पीआर के लिए कई पत्रकारों तथा मीडिया हाउसों को भी रिश्वत दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस डील के पीआर के लिए रिश्वत के रूप में करीब 45 करोड़ रुपए बांटे थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव के कोऑर्डिनेशन में अंजाम दिया गया। सीबीआई के संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व में सीबीआई की टीम ने दुबई में रहकर इस मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुबई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद अब भारत में मिशेल को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई उसे बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाईकोर्ट में पेश करेगी।
मिशेल के साथ जो न्याय कार्यवाही उचित होगी वो तो की ही जाएगी, लेकिन मिशेल से पूछताछ से जो खुलासा होने वाला है उससे देश के राजनीतिक और मीडिया के गलियारों में पहले से ही हलचल शुरू हो गई है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले को लेकर इटली में हुई सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी और अहमद पटेल के खिलाफ जमा हुए थे दस्तावेज। इस घोटाले में रिश्वत लेने के मामले में सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को ही नहीं बल्कि कई पत्रकार और मीडिया हाउस को भी डरने की जरूरत है। मिशेल ने अपने जोड़ीदार हल्स्के के साथ हुई बातचीत में सोनिया गांधी, अहमद पटेल और देश के कई मीडिया हाउस को रिश्वत देने की बात स्वीकार कर चुका है। मिशेल के भारत आने के बाद आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की बड़ी हस्ती मानी जाने वाली यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की परेशानी बढ़ जाएगी। उनकी परेशानी उस समय तब और बढ़ जाएगी जब सीबीआई और ईडी उन दोनों का मिशेल से सामना करवाएंगे, क्योंकि इन जांच एजेंसियों के पास पहले से इटली कोर्ट का वह दस्तावेज है जिसके हवाले से कहा गया है कि सोनिया गांधी उनके परिवार को इस डील का 5% हिस्सा यानी 210 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं। मिशेल के भारत प्रत्यर्पण को लेकर दुबई सरकार के विधि मंत्रालय ने अपना अंतिम आदेश मंगलवार को तब जारी किया जब दुबई की सर्वोच्च अदालत ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मिशेल की याचिका खारिज कर दी। मिशेल के भारत आने से न केवल राजनेताओं को घबराने की जरूरत है बल्कि कई पत्रकारों और मीडिया घरानों को भी घबराने की जरूरत है, क्योंकि आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को दबाने के लिए मिशेल ने देश के कई नामी पत्रकारों और मीडिया हाउस को 45 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि मिशेल ने भारत प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने साल 2015 की शुरुआत में ही दुबई सरकार से संपर्क किया था, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से पहले उसके घोटाले तक में मिशेल ही मुख्य आरोपी था। मिशेल पर ही इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए मूल्य के 12 बीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कांग्रेसी नेतृत्व से लेकर भारतीय मीडिया हाउस को घूस देने का आरोप है। इस मामले में इटली के ट्रायल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने भारत के वरिष्ठ नेताओं तथा भारतीय एयरफोर्स के अधिकारियों को 400 करोड़ रुपए रिश्वत देने को लेकर मिशेल तथा उनके साझेदार गुड्डो हेस्के के साथ हुई बातचीत तथा दस्तावेज पेश किए थे। उन दोनों के बीच हुई बातचीत से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और मिशेल के बीच काफी निकटता थी। गौर हो कि अपने संवाद के दौरान मिशेल अहमद पटेल को एपी से संबोधित किया है। सुनवाई के दौरान हेस्के के दोनों नेताओं की तस्वीर दिखाई गई थी, तभी उन्होंने यह पुष्टि की कि मिशेल भारत के नेताओं को संभाल रहे थे और वे नेता अपने एजेंट के माध्यम से रक्षा विभाग तथा भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को संभाल रहे थे। मिशेल और हेस्के के बीच हुई बातचीत से यह खुलासा हुआ है कि अगस्ता वेस्टलैंड डील का 5% हिस्सा द फैमिली को दिया गया है। ध्यान रहे कि द फैमिली का मतलब गांधी परिवार से है। एक अन्य बातचीत में मिशेल ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह डील सोनिया गांधी के माध्यम से ही हुआ है। सोनिया गांधी को इस मामले में फंसाने के आसार को भांपते ही कांग्रेस के नेताओं ने मोदी पर सोनिया गांधी को फंसाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि मोदी ने विदेश नेताओं के साथ डील कर मिशेल के माध्यम से सोनिया गांधी को फंसाया है। मालूम हो कि साल 2012 में इस घोटाले के सामने आते ही ब्रिटेन नागरिक मिशेल खुद को इटली के जांचकर्ताओं से बचाने के लिए दुबई भाग गया था। 2 साल भगोड़े की जिंदगी बिताने के बाद मिशेल मीडिया के सामने आया और इस मामले में श्रृंखलाबद्ध तरीके से साक्षात्कार देना शुरू किया। अपने हर इंटरव्यू में उसने भारत सरकार पर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए उसे फंसाने का आरोप लगाता रहा। यह सर्वविदित है कि 2015 से लगातार मिशेल कांग्रेसी नेता कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ के संपर्क में था। मालूम हो कि दुबई में व्यवसाय कर रहे कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ ने ही मोदी सरकार पर आरोप लगाने के लिए 2016 में भारतीय मीडिया के साथ मिशेल के इंटरव्यू की व्यवस्था की थी। मिशेल के भारत आ जाने के बाद देश के कई राजनेताओं के साथ ही कई पत्रकारों और मीडिया हाउस को भी डरने की जरूरत है, क्योंकि इस घोटाले को अंजाम देने से लेकर इसे दबाने तक के लिए मिशेल ने कई भारतीय पत्रकारों के अलावा कई मीडिया हाउस को करीब 45 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि इस मामले में वर्तमान में महज एक पत्रकार राजू संथानम ही गिरफ्तार किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मिशेल के दिल्ली के क्रियाकलाप को संभालने के आरोप में संथानम को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभी वह जेल में है। आपसे अनुरोध है कि देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें। आप हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911955719। आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखें और कम से कम 10 ग्रुपों में या अपने हित मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ नेशन।